तो चलिए बात जरा सेल्फी की सनक की भी करते हैं। कई बार लोग सेल्फी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग इससे सीख लेने का काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ अब एक बार फिर से देखने को मिला है कानपुर में, जहां पर सेल्फी का शौक किस तरह से जानलेवा साबित हुआ है आप भी देख रहे हैं। यहाँ के बाबूपुरवा के लोको साउथ कॉलोनी में एक 12 साल के बच्चे की सेल्फी लेने के चक्कर में मौत हो गई। दरअसल नईमुद्दीन नाम का ये बच्चा रेलवे लाइन के किनारे एक मजार पर गया था, जिसके बाद वो मजार के पीछे रेलवे लाइन पर खड़ी ऑयल टैंकर वाली ट्रेन पर चढ़ गया और सेल्फी लेने के चक्कर में 25,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान सीमा विवाद के चक्कर में उलझी पुलिस जब वहां नहीं पहुंची तो परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। फिलहाल इस मामले में कोई भी केस नहीं दर्ज हुआ है। वो लड़का यहाँ पर आया था अपनी बहनों के साथ, उनकी बहन यहाँ मजार पर आई थी, फातिहा तकरार थी, और वो लड़का जो है अचानक से वहाँ से चला गया और यहाँ पर इंडियन ऑयल की जो है गाड़ी खड़ी थी ट्रेन, उसके डब्बे पर चढ़ गया और अचानक उसने मोबाइल निकाला और किरण की चपेट में आ गया, उसके निधन हो गया। तो सवाल तो यही उठता है कि सेल्फी जिस शौक के लिए लिया जा रहा है, अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर इन चीजों का क्या मतलब है? क्या इनसे सबक लेने की जरूरत नहीं है? सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में मत डालिए, लगातार हम ये बात आपसे कह रहे हैं, अपील भी हम करते हैं, और खबरें दिखाने का भी यही मकसद होता है कि अपनी जान की कीमत समझिए, यूं ही सेल्फी में इसे मत गवाइए। तो इससे पहले भी सेल्फी के जानलेवा शौक ने दिल्ली में 2 छात्रों को मौत की नींद सुला दिया। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने के चक्कर में इन छात्रों की जान चली गई। मैं यही कहूँगा कि बच्चों को मोबाइल ही मत दो, बस ये सेल्फी जान लेवा। महंगा पड़ा वीडियो वायरल करने का शौक, ट्रेन की चपेट में आकर 2 छात्रों की मौत। रेलवे ट्रैक पर स्टंट बाजी पड़ी भारी, सेल्फी क्रेज ने फिर ली जान। 15 साल के यश और 14 साल के शुभम की रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये दोनों दिल्ली के अक्षरधाम के पास ट्रेन के साथ वीडियो शूट करने पहुंचे थे। फेसबुक पर स्टंट वाला वीडियो पोस्ट करने के मकसद से ये दोनों छात्र रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहे थे। हादसे में मारा गया यश कुमार 10वीं और शुभम 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। सेल्फी लेने ट्रैक पे चला गया, ये 7 जने थे जी, जी 7ों में से अभी दो जने फोटो खिंचवा रहे थे, 5 बीच में थे। तो उसके बाद उन्होंने फोटो खींची, अब इधर से ट्रेन आ रही है उसे तो देख रहे हैं, वो जो दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है उसको नहीं देख रहे। अब इन्होंने भी सडनली वहाँ से सेल्फी ली, पता नहीं कैसे ली क्या करी, तो दूसरी साइड हो गए और दूसरी साइड की ट्रेन की चपेट में आ गए। शुभम और यश नाम के 2 लड़के यहाँ पर होते हैं और वो पहले सेल्फी लेते हैं और उसके बाद स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है वो इस ट्रैक से बाहर निकल नहीं पाते हैं और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। परिवार वालों का कहना है कि वो लड़के स्टंट नहीं कर रहे थे, पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोचिंग के बाद यश और शुभम अपने 5 और दोस्तों के साथ अक्षरधाम वीडियो शूट करने गए थे। इसके लिए 1300 रुपए किराए पर एक दिन के लिए SLR कैमरा भी लिया था। पुलिस के मुताबिक सामने से धड़धड़ा कर आती ट्रेन के साथ ये दोनों एक ऐसा वीडियो शूट करना चाहते थे जो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। इसके लिए दोनों ने पहले से काफी वीडियोस देखे थे और रिसर्च की थी। ट्रेन आने से पहले सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग पोज बनाकर सेल्फी ली थी। इस दौरान ट्रैक की मरम्मत कर रहे रेल कर्मियों ने इन्हें ऐसा करने से रोका था, लेकिन इन सभी ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। ध्यान हटते ही दोनों सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रैक पर पहुंच गए, वहाँ पर उन्होंने आपस में सेल्फी लिया ट्रेन के साथ शूट करने के लिए, पर दूसरी साइड से उन्होंने देखा नहीं कि ट्रेन आ रही है और जिसकी चपेट में 2 बच्चे आ गए। परसों जब वो सेल्फी ले रहे थे 7 लड़के थे। अच्छा। और सेल्फी लेते हुए दोनों साइड से ट्रेन आ गई, उसके हवा के धोखे में दोनों ही चपेट में आ गई। अच्छा, ये 2 सेल्फी ले रहे थे ट्रेन के, किस तरह सेल्फी ले रहे थे? ये ऐसे करके ले रहे थे तो उसी पोज में बंदा। तो दोनों की मौके में मौत हो गई थी? हाँ जी। रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने का क्रेज लगातार जानलेवा होता जा रहा है। जोश में होश खोने वाले युवा अक्सर सेल्फी के चक्कर में जान से हाथ धो बैठते हैं। नासमझी में की गई इस बेवकूफी के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए?
तो सेल्फी लेने का शौक एक तरह से कहे हर किसी को भी होता है, लेकिन सोचिए समझिए कि कहीं ये शौक आपके लिए शौक ना बन जाए और ऐसे में आपकी जिंदगी कितनी कीमती है इसको जानना समझना आपकी जिम्मेदारी होती है। मुझे भी सेल्फी लेने का शौक है, लेकिन इस शौक को जरूर अपने शौक में तब्दील रखिए, जिंदगी पर मत भारी बनाइए।